तो दोस्तों अगर आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड डीएसएलआर की तरह ब्लार करना चाहते हो और साथ में कलर ग्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं जो कि बहुत इजी है यार, कोई भी बंदा कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएसएलआर नहीं तो आप अपनी नॉर्मल वीडियो का बैकग्राउंड भी डीएसएलआर की तरह आज के बाद ब्लार कर सकते हैं, बट इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी साथ देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्मैरिक एक और न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाई, आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आज के बाद आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड डीएसएलआर की तरह स्मूथ ब्लर कर सकोगे, साथ में कलर ग्रेडिंग भी कर सकोगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं और चेक कर लेते हैं ये एडिटिंग किस तरह होती है। ब्लर वीडियो एडिटिंग आप इस एप्लीकेशन में भी कर सकते हो और कैपकट में भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप कैपकट से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, वरना इस एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और चलिए मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन में दिखा भी दूँ किस तरह आप वीडियो बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। अगर आपको कैपकट की एडिटिंग चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूं। सो सिंपल सा इसके लिए सिंपल सा आपने जिस भी वीडियो का बैकग्राउंड आपने ब्लर करना हो उस वीडियो को आपने पिक करना है। जैसे मैंने इस वीडियो को पिक कर लिया, यहाँ पर पिक हो चुका है। आप नीचे दोस्तों आपको ब्लर का ऑप्शन नजर आ रहा है तो सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना। लो जी, आपका बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, अब आप चेक कर सकते हो। अगर ज्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है और आप इसे इजीली एडिटिंग कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए कैपकार्ट में भी मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ तो कैपकार्ट में भी आप बढ़िया एडिटिंग कर सकते हो, बट कैपकार्ट में दोस्तों आप कलर ग्रेडिंग भी अच्छी तरीके से कर सकोगे जो कि इस एप्लीकेशन में आप नहीं कर सकते। इसके लिए सिंपल आप कैपकार्ट को ओपन करें और कैपकट को ओपन करने के बाद जैसे अगर आपके पास कैपकट वर्क ना करे तो वीपीएन आप यूज कर सकते हो। अब जिस भी वीडियो को बैकग्राउंड आपने ब्लर कर देनी उस वीडियो को आपने यहाँ से पिक करना है। अब वीडियो हमारे पिक हो चुके हैं, वीडियो हमारी आ चुके हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड आपने ब्लर करना है। अब कलर ग्रेडिंग करने के लिए सिंपल से एडजस्ट के टूल पे आइए और यहाँ पर दोस्तों अपने इसका जो सिचुएशन है वो आपने हाई करना है, अपने इसको हाई करना है और एचएसएल पे आपने आना है और इसके ग्रीनली कम्प्लीट करना है। अब येलो कलर को भी आपने ग्रीन कर देना है कुछ इस तरह। अब यहाँ पर हमारा एक काम हो चुका है मुकम्मल। अब यहाँ पर आपका काम इतना मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद सिंपल से आपने जाना है और ले पे एड और ले पे जाना है। अब जिस भी वीडियो का आपने पिक की है उस वीडियो को अपने पेयर से पिक करना है। पिक करने के बाद आपकी वीडियो आपके पास आ चुकी है। अब इसको फिट स्क्रीन कर देना है अपनी फिंगर से। इसको फिट स्क्रीन हो चुका है। अब नीचे आना है और यहाँ पर कट आउट पे क्लिक कर दें। जिसे आप कट आउट पे क्लिक करते हो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हो, इसका बैकग्राउंड भाई रिमूव हो चुका है। अब बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है बट बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो चुका है। सिंपल सा बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए सिंपल सा आपने नीचे आना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट पे आना है और यहाँ से ट्रेंडिंग में आना है और यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास ब्लर का ऑप्शन नहीं मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से करें और दोस्तों सेकंड एप्लीकेशन को आपने पेस्ट करने हैं सिंपल सा। अब आप लोग चेक कर सकते हो आपके मुकम्मल बैकग्राउंड भी ब्लर हो चुका है, बट यहाँ पर दोस्तों कलर ग्रेडिंग भी हो चुका है, बट जो ऑब्जेक्ट का हमारा कलर है वो अच्छी तरीके से मैच नहीं कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। तो इसको मैच करने के लिए सिंपल से एडजस्ट पे आना है और एडजस्ट पे आने के बाद सिचुएशन को अपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। अब अपनी वीडियो का रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो, आपकी वीडियो कंप्लीट दोस्तों ब्लर हो चुकी है। वीडियो को सेव करने का तरीका सिंपल सा, अपने वीडियो को आप हाई क्वालिटी में भी सेव कर सकते हो, नॉर्मल क्वालिटी में भी सेव कर सकते हो। सो मैं 720p पे कर सकते हो सेव। उसके बाद सिंपल सा आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप उसको पसंद आई होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।